अयोध्या। भगवान राम की नगरी। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में। अयोध्या, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक प्राचीन शहर है, भगवान श्री राम का जन्मस्थान है और जहां से आने वाली पीढ़ियों के लिए महान महाकाव्य रामायण का निर्माण हुआ और वे भगवान श्री राम के जीवन इतिहास से प्रेरित हुए। अयोध्या प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अयोध्या, जिसे अवधपुरी भी कहा जाता है, को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों या मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से पहला माना गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। ये ग्रंथ इसे इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी बताते हैं। रामायण में कहा गया है कि इस शहर पर राजा इक्ष्वाकु के वंशज राजा दशरथ का शासन था। इस वीडियो में हम आपको अपने साथ अयोध्या और उसकी स्वर्णिम विरासत और इतिहास की यात्रा पर ले जाएंगे, जिसने त्रेता युग से सभी को प्रेरित किया है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। हम अपनी फिल्म सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं, एक्सप्लोरिंग अयोध्या, द धाम ऑफ लॉर्ड राम। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे, श्री अयोध्या धाम तीर्थ पुरोहित, महामंत्री, राम जन्मभूमि अयोध्या। इस समय हम लोग सरयू नदी के किनारे में श्री राम जानकी घाट, स्वर्ग द्वार घाट पे खड़े हुए हैं, जहां पर सरयू जी की दिव्य आरती चल रही है। 1051 बत्ती की आरती ये प्रतिदिन होती रहती है। सरयू नदी में भगवान रामचंद्र जी स्नान किया करते थे, आज भी मंदिरों में यहाँ से जल जाता है, भगवान को स्नान होता है, तभी भगवान का मंदिर खुलता है और तभी आरती पूजा का कार्य आगे बढ़ता है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, दरस परस मुखमंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराणा। वेद पुराण कहता है कि जो एक मिनट के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, उसके कोटि जन्म का पाप क्षण भर में नाश हो जाता है। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने अयोध्या में सरयू नदी को लाए थे। सरयू जी का ये मर्यादा है, पूरे भारतवर्ष में सरयू नदी जैसा कोई नदी नहीं है, क्योंकि गंगा जी वो पैर से निकली हुई है। सरयू नदी पूरे विश्व में एक ऐसी नदी है जो भगवान के नेत्र से निकली हुई है। इनका नाम नेत्रजा वशिष्ठी राम गंगा है। वशिष्ठ जी ने अपने पूजा पाठ के लिए सरयू नदी को भगवान विष्णु से लेकर अयोध्या में आए थे और अयोध्या में इनको छोड़ दिए और इनका नाम सरयू रखा दिए। जहाँ तक अयोध्या का परिक्रमा होता है, जहाँ तक अयोध्या की शहर बसी है, राम का मंदिर है, वहाँ तक इनको सरयू के नाम से जाना जाता है। बाकी अन्य लिखा पड़ी में गवर्नमेंट इसको घाघरा बोलती है। सरयू नदी का शादी नहीं हुआ है, इनको सिंदूर नहीं चढ़ता है, यहाँ पर कन्या रूप में इनका पूजा होता है। जो मूर्ति का पूजा यहाँ पर चल रहा है वो एक कन्या रूप में है। जैसे शादी विवाह में लोग एक कन्या का पूजा करते हैं, शादी जिसके घर रहती है, और भी अगल बगल के लोग आके कन्या पूजन करके दान करते हैं। इस प्रकार सरयू जी की आरती में चंदन चढ़ता है, रोली चलता है, फूल चढ़ता है। इस प्रकार से कलश का रख करके हजारों संत महात्मा के साथ में हजारों तादाद में यहाँ पर 5,000-10,000 जनता प्रतिदिन आती है और आरती देखती रहती है। इस प्रकार से अयोध्या में सुंदर वातावरण बनता है। यहाँ पर आरती का दर्शन करने से कोटि जन्म का पाप नाश हो जाता है, इसलिए कोटि जन्म कृतज्ञ पापम सर्व पाप अविनाशनम। कोटि जन्म का पाप आरती देखने से क्षण भर में नाश हो जाता है। भगवान राम जो है यहाँ पर बाल अवस्था में खेलने आते थे, मंदिर से नहाने आते थे। सरयू नदी के अंदर भगवान रामायण का एंड किए हैं, गुप्तार घाट पर जाकर गुप्त हुए हैं, वहाँ पर भगवान अपने शरीर को छोड़े हैं, चतुर्भुजी का रूप धारण दिखाए सबको। अतमोल प्रिय अवध के वासी, मम धावन पुरी सुगरासी। जो भगवान के साथ जाना चाहता था वो गया और जो यहाँ पर है उसकी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। बोलो सरयू मैया की जय। जय श्री राम। इस समय हम लोग राम पैड़ी पर हैं, जहाँ पर सरयू नदी से, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा नदी से काट करके बनाया गया है, ऐसे सरयू नदी से एक किनारे से काट करके नदी को पतला करके छोटा यहाँ लाया गया है, ताकि शहर के बच्चे लोग या यात्री के पर्यटकों को ये पार्क रूप में घूमने के तौर पर बना दिए हैं। यहाँ पर हर की पैड़ी की जगह पर इसका नाम राम की पैड़ी रखा गया है, जहाँ पर योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी, यहाँ पर दीप उत्सव मनाते हैं। हर वर्ष भगवान का राज्याभिषेक की खुशी में यहाँ दीप उत्सव होता है।
भगवान रावण को मार के लंका विजय करके जब अयोध्या में आए थे तो उसी पक्ष में दीपावली भारत को पूरे भारत में यहाँ से चला है। वो दीपावली अयोध्या से ही शुरुआत हुआ है। इस प्रकार से यहाँ योगी जी दीपोत्सव करते हैं। 22 लाख दिया आपकी बार जला था। एक कलर में पूरी बिल्डिंगें यहाँ पर रंगी हुई हैं। जो बिल्डिंगें आप सामने देख रहे हैं, जब ये सरयू नदी प्राचीन काल में 2 किलोमीटर चौड़ाई वहाँ तक बहती थी और उन घाटों में स्टीमर रुकते थे, जब ये बैन नहीं बनी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो लोग जहाँ जो पानी के रास्ते से, जल के रास्ते से, नाव से आते थे तो उनकी बोट वहाँ रुकती थी, धर्मशालाओं में लोग रुकते थे। आज शहर के अंदर बड़े बड़े होटल और यहाँ पर रहने के गेस्ट हाउस बन गए हैं। तो ये राम पैड़ी का महत्व आपको बता रहे हैं। ये पर दर्शनीय स्थल है और अयोध्या के अंदर ठहरने का, रहने का अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर दिया है। जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होने लगा तब से योगी जी ने यहाँ पर कह दिया था कि जो लोग अपने घर को, टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दे सकें, घर जैसा भोजन करा सकें, घर जैसा व्यवहार कर सकें, तो वो अपना 4 कमरा 2 कमरा 6 कमरा भी जिसके पास है वो भी गेस्ट हाउस बना सकते हैं। इस प्रकार अयोध्या में बहुत सारे रहने की सुविधा गेस्ट हाउस के माध्यम से हो गया है। कोई अपने नेट से बुक कराता है, कोई कार्ड लेकर जाता है, कोई किसी दूसरे माध्यम से बुक कराता है। अयोध्या में रहने का, ठहरने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं और अयोध्या का सुंदर वातावरण हो गया है। राम मंदिर के विकास में पूरे अयोध्या का विकास हो रहा है। अब अयोध्या में आपको यहाँ से निकलने के बाद में हम आपको राम पथ मार्ग पर ले चलेंगे, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 4 रास्ते बनाए गए हैं। एक राम पथ मार्ग बनाए गए हैं, एक जो है लखन पथ के नाम से है, इस प्रकार अलग अलग पथ के नाम से रखा गया है। इसके आगे लता मंगेशकर चौराहा पड़ेगा, जो भारत के लता मंगेशकर गायकार हैं, उन्होंने भगवान के नाम पर भक्ति गीते गाई, इसलिए अयोध्या में उनके नाम पर मोदी जी ने यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहा नाम रखकर और उनका बेड़ा गिटार यहाँ पर रखा ताकि उनको जो है अच्छा मैसेज जाए। ये सरकार जो है श्री कालेराम जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आज से लगभग 500 वर्ष पहले इन्हीं का मंदिर तोड़कर जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था मुगलों ने। ये भगवान 1528 से लेकर 1749 तक सरजू जल में रहे। जब मुगलों ने आक्रमण किया 500 वर्ष पहले तब पुजारी जी ने भगवान को सरजू में प्रवाहित कर दिया था। यहाँ एक महाराष्ट्रीय संत रहते थे, वो तपस्या करते थे, उनको दृष्टांत होकर ये भगवान प्राप्त हुए और 1749 से लेकर भगवान यहाँ पर हैं। 275 वर्ष से यहाँ पर विराजमान हैं। ये सारी ग्राम शिला में हैं और ये राम पंचायतन है, अखंडित एक ही शिला में है। और ये हमारे दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं जो कि बहुत दुर्लभ दर्शन है। ये देवी स्वरूप में है, हनुमान जी हर जगह मिल जाएंगे लेकिन देवी स्वरूप में मिलना दुर्लभ है। ऐसा मुश्किल ही लगता है हमको कि कहीं देवी स्वरूप में हनुमान जी का दर्शन हो। यहाँ ये दक्षिणाभिमुख है और भगवान श्री विष्णु हरि इनका नाम था जब ये जन्मभूमि पर थे। ये आज से लगभग 2000 वर्ष पहले महाराज विक्रमादित्य ने इनको जन्मभूमि पर स्थापित किया था, जीर्णोद्धार करके इनका पुनः निर्माण कराया था। और ये शालिग्राम शिला में है भगवान और राम पंचायतन है एक ही अखंडित शिला में है। यही इनका इतिहास है, वो पत्थर पे इतिहास लिखा हुआ है वहाँ पर। राम नाम का पुस्तक बैंक जमा है, चारों वेद यहाँ पर है। जैसे कोई यात्री परिक्रमा अयोध्या में नहीं कर सकता है पंचकोसी या 14 कोसी, तो यहाँ सीता राम नाम बैंक का परिक्रमा करके पूरे अयोध्या का फल प्राप्त कर सकता है। जो मंदिर में हम खड़े हैं इसका नाम काले राम है। ये प्राचीन काल का मंदिर है, राजा विक्रमादित्य के हाथ का स्थापित किया हुआ। और यहाँ पर जो मूर्ति का दर्शन है वो राम जन्मभूमि की प्राचीन काल की मूर्ति है। लड़ाई झगड़े बाबर पीरियड में सरजू नदी में ये मूर्ति गिर गई थी, वहाँ से संत महात्मा महाराष्ट्र के अयोध्या आए थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया नदी नहाते समय, ये मूर्ति उनको मिली, ओला के महाराष्ट्र में ट्रस्ट बनाए और उनके द्वारा यहाँ स्थापित कर दिए। और यहाँ का महिमा बहुत है, यहाँ का दर्शन करने से कोटि जन्म का पाप नाश हो जाता है। जय श्री राम। आपके दीपक जी जो चिराग के नाम से जाने जाते हैं, इनका अगर दीपक नाम हो जाए तो और भी अच्छा, क्योंकि ये संसार को रोशनी दे रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से। टूरिस्ट विभाग को, सबको यहाँ का घर बैठे दर्शन कराएंगे। कितना सुंदर इनका विचार है। कनक भवन सीता जी को मुझे दिखाई मिला था, ये प्राचीन बिल्डिंग है। अयोध्या पधारें और राम जी के चरणों का आशीर्वाद लें। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।